अब हम अभी के जो टॉपिक में बात करने जा रहे हैं, पीडीएफ से डेटा कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो गरिमा जी, अभी अभी मैंने बताया कि एक फोल्डर में अगर 10 फाइलें हैं तो सबका डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे। अब हम बात हाँ कर जी रहे हैं कि पीडीएफ का डेटा अब कैसे लेके आएंगे। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ D1 में DT1 नाम का एक पीडीएफ फाइल है, मैंने इसको ओपन किया, तो ओपन करने के बाद देखेंगे इस तरह का डेटा है। अब मुझे इसको लेना है। देखिए, पीडीएफ से डेटा लेने के कुछ नियम है, कुछ जानना। हाँ सबसे जी पहला कि आपका डेटा जो है ना, वो आपका पीडीएफ कन्वर्ट होना चाहिए, मतलब कि स्कैन में होना चाहिए, मतलब इसका फोटो खींच के पीडीएफ नहीं बनाना चाहिए, स्कैन करके पीडीएफ नहीं बनाना चाहिए। अब इस पे डबल क्लिक करें तो वर्ड सेलेक्ट होना चाहिए, अच्छा पहले हेडिंग आपके साथ प्रॉपर होनी चाहिए और हर पेज में हेडिंग होना चाहिए। ठीक पेज में हेडिंग नहीं है तो क्या होगा कि अब हर पेज को अलग अलग सीट पे उसको इंपोर्ट करेगा वो डेटा। इसलिए हर पेज पे आपका जो डेटा है उसका हेडिंग होना चाहिए। और डेटा रीड जब मान पीडीएफ में हो सकता है कि और भी मैटर हो तो उसमें करेगा, टेबल जो बना होगा उस टेबल को ही रीड करेगा। जी रीड करने के लिए टेबल के अंदर क्या होना चाहिए, उसकी बॉर्डर्स होनी चाहिए। और उसके अच्छा अलावा यहाँ देखिए, पूजा कुमार शर्मा दिख रहा है ना, ये कटा हुआ दिख रहा है, जितनी हाँ जी भी वैल्यू है उसको नहीं ले पाएगा, वो तो वो आधा ही लेगा। इसलिए पीडीएफ प्रॉपर वे में है, अच्छे से है तो डेटा आसानी से आ जाएगा। कैसे आएगा, चलिए हम आपको बताते हैं। हम जाएंगे अपने एक्सेल डेटा पे और यहाँ डेटा मेनू बार के अंदर गेट डेटा में फ्रॉम फाइल में यहाँ पे फ्रॉम पीडीएफ, फ्रॉम पीडीएफ ठीक है जहाँ फ्रॉम फोल्डर है जस्ट उससे ऊपर फ्रॉम पीडीएफ, हाँ जी उस पीडीएफ को आपको सेलेक्ट कर लेना है जहां आपका पीडीएफ पड़ा है। अब आपका फाइल थोड़ा सा ओपन होगा, ओपन होने के बाद वो सारे पीडीएफ को स्कैन कर रहा है, जितने भी टेबल है सबको अलग अलग और साथ में उसका कुलेटेड जो है एक बना दिया। जैसे देखिए पेज 1, तो पेज 1 का डेटा इसने शो कर दिया। ठीक है, तो अब जैसे वहां पे सुजीजी टेबल में था तो यहाँ पे टेबल में ही आएगा या फिर टेबल में ही आएगा यहाँ पे, देखिए तो एक बार देखती हूँ सही आपका। इसने जी क्या किया, जितने पेजेस थे सारे पेजेस के डेटा को अलग अलग पेज में दे दिया हाँ जी और साथ में उन्होंने टेबल 1 से लेके 20 के 23 पेजेस थे तो 23 पेजेस को यहाँ कुलेट भी कर दिया। अरे वाह हाँ जी ठीक है, तो आपको कोई पर्टिकुलर पेज चाहिए तो पर्टिकुलर पेज पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे विजुअल दिख जाएगा। हाँ और जी आपको अगर यहाँ पे पूरा कुलेक्टेड चाहिए तो यहाँ कुलेक्टेड जो सबसे स्टार्टिंग में बना है उस पर क्लिक कीजिए एंड लोड पे क्लिक कीजिए। ठीक है लोड पे क्लिक करते हैं, कुछ देर में आपका सारा डेटा कुलेक्टेड होके यहाँ पे आएगा। कुलेक्टेड तभी होगा कि जिस जो पैटर्न मैंने बताया वो पैटर्न में आपका डेटा होगा तभी कुलेक्टेड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा ठीक है ठीक है, इसलिए मतलब उसके अंदर हेडर्स होने चाहिए और बॉर्डर्स होने चाहिए और हर पेज पे आपके हेडर्स होने ही चाहिए ना जी, तो ठीक है हाँ ठीक है, जी ये हमने आपको बताया आपको पीडीएफ एंड को कैसे लोड करते हैं। हाँ जी